नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज आप लोगों के बीच मैं शंकरगंज क्षेत्र में हूँ। शंकरगंज से आगे एक सड़क है जो समाह गांव होते हुए दसवंतपुरवा की साइड जाती है, और ये सड़क आज के कम से कम 20-25 साल बाद दोबारा से डामर पड़ा है, मतलब सदियों बाद आप कह सकते हैं इस सड़क को दोबारा से बनाया गया। तो यही आपको दिखाना चाहते थे कि आने जाने में जो तकलीफ होती थी अब लोगों को आसान हो चुकी है, और ये सड़क फिर से डामरीकृत हो चुकी है, डामर वाली रोड पक्की बन चुकी है। एक बार आपको झलक दिखाएंगे, पीछे बैक साइड में एक इधर से टर्न होगी और पीछे इस तरफ जाएगी करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी तक। तो यही दिखाना चाहते थे, मतलब 20-25 साल बाद आज ये सड़क पूरी तरह से कंप्लीट हुई। तो थोड़ा सा आपको यहाँ के बारे में दिखाते हैं और कुछ लोग मिलते हैं तो उनसे बात करके बताते भी हैं। दोस्तों अभी आप सामने ये सड़क देख रहे हैं, ये सड़क यहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे या 1.5 किलोमीटर आगे लगभग शंकरगंज चौराहा है, वहाँ से निकल के आई है डामर रोड, और ये यहाँ से ऐसे जाके ये टर्न है। यहाँ से आगे होते हुए सामने की तरफ शंकरगंज से आगे जब आएंगे तो शंकरगंज एक कस्बा पड़ता है, उसके आगे दसवंत सिंह का पुरवा आएगा, दसवंत सिंह का पुरवा गांव है, उसके बगल में समाह, वहाँ तक ये सड़क गई है। और सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ के बारे में बताएं तो ये सड़क आगे खड़िंजा लगा हुआ है। ये सड़क यहाँ से आगे करीब 200 मीटर होगा, जो एक और सड़क है जो आगे छतों गांव की तरफ जाता है शंकरगंज से, तो वहाँ से छतों गांव के लिए पक्की सड़क, लेकिन 200 मीटर की दूरी की सड़क जो है खड़िंजा के साथ है। तो खड़िंजा वाली सड़क से टच ये दूसरी पक्की सड़क, ये सड़क करीब हमें लगता है 20-25 साल बाद बनी। इसके पहले प्रशासन में क्या था क्या नहीं वो प्रशासन ही जाने। ये सड़क आज बहुत दिन बाद मैंने इधर विजिट किया, देखा, अच्छा लगा कि चलो पक्की सड़क बनी, अब लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। तो यही दिखाना चाहते थे आपको कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं करीब 15-20 साल बाद बनी, और अभी चलने फिरने के लिए अच्छी हो गई सड़क। और छोटू सड़क कब बनी है, कुछ कहेंगे चाची, ये सड़क यह कब बनी है, मतलब कई साल बाद कुछ पता लगे, पहले कस रही है, पहले कच्ची रही, पहले कच्ची ऐसे खड़िंजा रहा, जैसे आप देखो तो आगे आगे खड़िंजा जैसा है ना। हाँ। लेकिन तब वो कुछ साल बता सको तो कई साल हो गए, 15-20 साल तो ही नहीं हुए बनी नहीं, या मतलब पहले कस जो पहले रही है खड़िंजा रहा ना पहले। हाँ, हाँ। खराब सड़क रही। हाँ। कम से कम 15-20 साल बाद तो डामर पड़ा, वही हाँ हाँ डामर तो बिल्कुल बहन जल्दी पड़ा है, ये पड़ा बहन जल्दी, लेकिन इनके पहले कम से कम खराब सड़क तो रही है, लेकिन मान चलो 20-25 साल बाद काम है ना। हाँ, इतने हाँ, दिन बाद यह चीज पूछा चाहते हैं। हाँ, हाँ, अब सही लागत है ना, सड़क हाँ, अच्छी बन गई, पहले सरकार का रही लेकिन अब का चलता है। चलो बढ़िया, अच्छा लाग, यही जानकारी जनाओ चाहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं सड़क बहुत अच्छी अभी कंडीशन में है, लोगों को आने जाने के लिए अच्छा रास्ता बन चुका है। मतलब उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे विकास की लहर दौड़ पड़ी है और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। तो दोस्तों अभी देखिए दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये सड़क बने कितने दिन हो गया, बहुत मतलब कितने दिन हो गया सड़क बने, कुछ दिन, चार पांच हफ्ता हो गया, मतलब ये पहले कसक रही सड़क या कच्ची रही है, मतलब जब से तुम सभी समझत हुई हो कच्ची रही हुई ना, खड़िंजा लग रहा, टूटा फूटा सड़क रही, कच्ची रही, माटी पड़ी रही ना, लेकिन अब कैसा लागत है पक्की सड़क हो गई, चले में कैसा लागत है, देखो सरसों ढोती हो, अच्छा रहा थे, का नाम है तुहा, सोनम का, सोनम साहू, कौन गांव है, अच्छा शंकरगंज कस्बा से, अच्छा इधर कौन सा गांव है, इधर उत्तर दसवंतपुरवा और सरदारगंज, मतलब समा है, 2-3 गांव खातिर आ गए, यहाँ से मतलब 2 किलोमीटर हुए ना। हाँ। तो मतलब 2 किलोमीटर इधर, 3-4 किलोमीटर की दूरी की अच्छी सड़क बन गए। हाँ। पहले की अपेक्षा स्कूल जाते हो, हम स्कूल जाते, अच्छा तो अभी कहाँ चलता है, पेपर वगैरह होता है, पेपर हो चुका, अच्छा होएगा। हाँ। पेपर होएगा, पढ़ाई चलते, चलो अच्छे से पढ़ो, तुम क्या करते हो, अच्छी का नाम है, तेज बोलो थोड़ा, का नाम है सुहासनी, बहने का दूजनी घर बुआ लड़की, अच्छा साथ है, सरसों ढो होती हमारे, चलो अच्छी बात है, मेहनत करो, सड़क देखा बहुत दिन बाद बनी, तो हम कहा चलो पूछा जाए लोगों से जानकारी ली जाए। तो दोस्तों जैसा कि छोटे बच्चों ने बताया, अभी दो आंटी लोग ने भी बताया सड़क के बारे में क्या थी क्या हो चुकी है, मतलब पहले की अभी अच्छा बहुत ही अच्छा हो चुका है, सुंदर बन चुकी है सड़क। तो यही दिखाना चाहते थे आप लोगों को, और कैसा लगा अपनी राय जरूर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, और
आपके भी क्षेत्र में कोई सड़क खराब है या बन चुकी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और उसके बारे में आप लोगों के बीच फिर से दिखाएंगे। तो एक भैया जी आ रहे हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। भैया जी थोड़ा सा एक मिनट रुकेंगे। क्या नाम है आपका? नंदलाल। अच्छा, ये सड़क के बारे में पूछना चाहते हैं, अभी जल्दी बनी क्या? अच्छा, कितने दिन हो गया इसको? लमसम हो गया एक महीना। एक महीना। अच्छा, इसके पहले सड़क कैसी रही? इसके पहले तो सड़क बहुत गद्दर थी। गद्दर थी, मतलब कितने साल बाद? फिर भी कितने साल बाद बनी ये? लगा हुआ था, मतलब खड़िंजा के बाद कभी सड़क नहीं पड़ी? नहीं नहीं, ऐसी तो कभी नहीं। ऐसी कभी नहीं, सर पहली बार हुई ना। मतलब पिछली सरकार से जो भी था, अब की सरकार में कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया बदलाव है। बढ़िया बदलाव है, है। यूपी में मतलब सड़कों का जाल बिछ रहा है भाई, हम गरीबों के लिए तो अच्छा ही है। अच्छा, गरीबों के लिए तो सही है। मोदी सरकार, डबल इंजन सरकार जो है भाजपा की, वो अच्छा कर रही है। क्या क्या मिल रहा है इस समय आपको सरकार की तरफ से? राशन वाशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है, तो इस बार मतलब किसको जिताए हैं? मोदी जी को। चलिए, सरकार तो बन चुकी है फिलहाल, जिसको भी दिए हैं वोट। मतलब ये दिखाना चाहते थे कि सड़क, अभी बहुत दिन बाद हमारे यहाँ देखिए सड़क की कंडीशन बदल गई। आगे तक और बन जाए ना तो थोड़ा और बेहतर हो जाए। नहीं, इधर तो पूरी बनी ना, दसवंत सिंह के पुरा तक, वहाँ समाहा तक बनी, समाहा तक बनी है। उसके आगे, उसके आगे फिर में ज्वाइंट होना है इसको। अच्छा, आगे नहीं पहुँचे, पता है उसका जिसने बनवाया है इसको, हाँ, उसका ठेका यहीं तक रहा होगा। अच्छा अच्छा, अगला आदमी जो बनवाएगा तो फिर वहाँ तक पहुँचेगा। अच्छा, एक चीज और देखना चाहते हैं, देखिए सामने जो खड़िंजे वाला है, ये यहाँ से लेके दूसरी सड़क जो छतौहा गांव है ना, उधर छतौहा, मतलब वो सड़क से ये सड़क की दूरी मात्र 200 मीटर हुए, लेकिन यह सड़क पक्की नहीं बनी। मतलब छोटी छोटी दूरी की वजह से थोड़ा काम अधूरा लगता है। तो देख सकते हैं आप लोग, जनता की थोड़ा सी राय होती है। अच्छा लगता है, गांव की सड़कें सबसे पहले सुधरनी चाहिए, है ना। और गांव की सड़कें सुधरी होंगे तो गांव के लोग भी खुश रहेंगे और समर्थन करेंगे। तो यही सब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, भाई साहब ने बताया यहाँ के बारे में, तो अपनी राय जरूर देना और ऐसे ही करना। हाँ भैया, ठीक है, नमस्कार। ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।